बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दौरान वुज़ू के चंद अमल लाखों नेकियां। वुज़ू के दौरान इन आदाब का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह फलाह दारैन हासिल होगी। नंबर एक, वुज़ू शुरू करने से पहले हाथ धोकर मिसवाक कर लें। मिसवाक करने से नमाज का सवाब 70 गुना ज़्यादा हो जाता है और जान करने के वक्त अल्लाह पाक इसे कलिमा याद दिलाते हैं। नंबर दो, फिर पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें और साथ ही बिस्मिल्लाह ही अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ लें। जब तक वुज़ू रहेगा, हमारे मुहाफिज फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते रहेंगे। नंबर तीन, वुज़ू के दौरान एक दफ़ा कलिमा शहादत पढ़ लें। जन्नत के 8 दरवाज़े अल्लाह पाक खोल देते हैं, जिस दरवाज़े से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। जब वुज़ू मुकम्मल हो जाए यानी पाँव वगैरह धो लें, तो फिर फौरी तौर पर ये चार दुआएं पढ़ लें। नंबर एक, एक दफ़ा मजलिस के खात्मे की दुआ पढ़ लें। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबू इलैक। नंबर दो, एक दफ़ा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। नंबर तीन, तीन दफ़ा सूरतुल कदर पढ़ लें। हदीस शरीफ के मुताबिक जो एक दफ़ा पढ़ेगा, इसका हशर अल्लाह पाक शुहदा के साथ करेंगे। जो दो दफ़ा पढ़ेगा, अल्लाह पाक इसका हशर सदीकैन के साथ करेंगे। जो तीन दफ़ा पढ़ेगा, अल्लाह पाक कयामत में इसको गरोह अंबिया के साथ उठाएंगे। हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं। नंबर चार, तीन दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें। वुज़ू के आदाब मुकम्मल हो गए, आप नमाज और तिलावत शुरू कर दें। दौरान वुज़ू ये छोटे छोटे आमाल आपकी इबादात पर कबूलियत की मोहर लगवा देंगे इंशाअल्लाह ताला।